मैंने रिदा को हमेशा अपनी बेटी समझा है, और बेटी बेटी होती है और बहू बहू। मैं तुम्हारी बात से मुतमईन नहीं हूँ। कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? जी भाई, शाम को रिदा को देखने मेहमान आ रहे हैं। रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? ये लोग मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। क्या तमाशा हो रहा है? रिदा सिर्फ मेरी है। कहते हैं कि वो तो 3-4 साल से पहले ना तो आ सकता है और ना ही वो शादी कर सकता है। अब बताओ तो रफिया, क्या फारूक के इंतजार में बैठी रहे यहाँ पे? तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा जावेद को, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना। बाबा, बाबा। मैं देखता रिदा बेटा। माँ, बेटा रिदा कुछ नहीं होता। ताया जान, लेकिन बाबा अंदर है, बाबा वो क्या होगा? कोई बात नहीं, अभी वो ट्रीटमेंट कर रही है ना। प्लीज मैं डॉक्टर को बात करूं। जी 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 डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, वो जावेद को कुछ हुआ है, पता नहीं शायद हार्ट की कोई ट्रबल है। जी जी, मैं हॉस्पिटल हूँ, प्लीज आप जल्दी आ जाए, आप खुद देख लें। थैंक यू। डॉक्टर क्यों नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। बेटा देख रहे हैं उसे, अंदर देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। होल्ड ऑन, जल्दी में गए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा कैसे हैं? मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? वो मेरे बाबा हैं। लगता है उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर उन्हें हार्ट अटैक हुआ है तो आप उन्हें कार्डियोलॉजी में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, पहले उनकी ECG होगी, उसके बाद उन्हें कार्डियक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप परेशान मत हो डॉक्टर साहब, आप बचा लेंगे ना मेरे बाबा को? देखिए, आप खुदा से दुआ करती रहिए, इंशाल्लाह आपके बाबा को कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, बेटा ना, मेरा बेटा कुछ नहीं होता, जावेद को ठीक हो जाएगा वो, तुम हौसला रखो। इस तरह तो नहीं करते ना, मैं हूं ना यहाँ पे खड़ा। परेशान नहीं हो, जल्द ठीक हो जाएंगे जावेद। मामा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि साइम को इस वक्त नहीं जगाया, वरना वो बहुत हंगामा खड़ा कर देता। बेटा वो हंगामा तो सुबह उठकर भी करेगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। सुबह की सुबह देखी जाएगी। जी हाँ, अगर तुम्हारे चाचा को कुछ हो गया तो तुम्हारे चाचा को कुछ नहीं होना चाहिए। मामा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसलिए कि अगर जावेद भाई को कुछ हो गया तो साइम के साथ साथ तुम्हारे पापा हमारा जीना हराम कर देंगे और हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। अल्लाह, बेशक तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तू ही हर चीज पे कादिर है। मेरे बाबा को ठीक कर दे, प्लीज मेरे बाबा को ठीक कर दे। उनके सारे दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानियां मुझे दे दे।
मेरे बाबा को सेहत दे दे, मेरी जिंदगी भी उनको लग जाए, लेकिन उनको ठीक कर दे प्लीज। मेरी आजमाइश से निकाल ले, इस तकलीफ से निकाल ले प्लीज अल्लाह ताला। उनका दस्त शफकत हमेशा मेरे सर पर कायम रखे। आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं, खुदा ने आपकी सुन ली। आपके बाबा अब खतरे से बाहर हैं और एक दो दिन में घर भी जा सकते हैं। बात सुने, जरा यहाँ बैठे। मुझे ये बताएं, डॉक्टर ने क्या कहा, एकदम जावेद भाई को हार्ट अटैक क्यों हुआ? हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो वो पहले से ही था, और रही सही का सर, तुम दोनों ने उसे टेंशन देकर पूरी कर दी। हार्ट अटैक तो होना ही था ना। ये इल्जाम भी हम पर रखते हैं आप? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। और नसीमा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने ये सब किया। मतलब तुम भी एक रवायती जिठानी निकली, बाहर अच्छी और अंदर से हसद करने वाली। सैयद साहब, ये क्या कह रहे हैं आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ने जो कुछ भी किया रिदा के फायदे के लिए किया। तुम्हें अगर रिदा से मोहब्बत होती ना, तो तुम उसका मुस्तकबिल घर में बनाती, यूं बाहर ना ढूंढती फिरती। और फिर नसीमा, खूनी रिश्तों में मेरे पास सिर्फ एक भाई है, और मैं उसे यूं खानदानी सियासत की नजर नहीं कर सकता। तो सही साहब, मैं भी मजबूर हूं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की मोहब्बत की खातिर किया। आपको अपनी बेटी की टेंशन नजर नहीं आती? वो भी तो रात से परेशान है। प्रेगनेंसी में उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसकी फिक्र नहीं है आपको? मेरी फराज से बात हो चुकी है और मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे बताया है कि उसकी खाला और मुआज बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। और वैसे भी कल सुबह की फ्लाइट से वो वापस आ रहा है। और रही बात फरिया की, तो तुम्हें पता है मुझे वो कितनी अजीज है, बेटी है वो मेरी, समझी तुम? चलते हैं हम, आ जाएं। दवा भी वक्त पे देती रहेगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, उन्हें खुश रखने के लिए आपके चेहरे पे एक तरह ताजा सी मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। पापा, मेरे लिए तुम्हें चाचा से मांगने वाले। सायम, जाके मना करो उन्हें। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरे बाबा की रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? जिस तरह से आपने अपने बाबा के लिए दुआएं मांगी थी खुदा से, उन्हें कैसे रद्द करता? आपके बाबा की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। बस इलाज यह है कि आपने उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखना है, उनको किसी भी किस्म की परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखना है, और दुआ के साथ साथ दवा भी वक्त पे देती रहेगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, उन्हें खुश रखने के लिए आपके चेहरे पे एक तरह ताज़ा सी मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है।
बेटा, कई बार मैंने तुम्हें कॉल किए मगर तुम्हारा फोन ऑफ है, मुझे फोन करो। और हाँ बेटा, वो आयशा को भी फोन कर लेना, वो भी तुम्हारी शिकायत कर रही थी। और नफीसा भाभी भी तुमसे नाराज है, तुम गए क्यों नहीं उधर? वक्त निकाल कर आज ही चले जाना। समझता क्या है खुद को डॉक्टर बनकर? कितना प्राउड हो गया, ना मुझे कॉल करता है ना मिलने आता है। शहनाज आंटी से मैंने उसकी शिकायत भी की थी मगर क्या फायदा हुआ? अल्लाह जी, आप भी ना मेरे साथ ज्यादा कर रहे हैं। जितनी मोहब्बत दानियाल की मेरे दिल में डाली है, उतनी उसके दिल में भी तो डालते मेरे लिए। फिर वो मेरी तरह बेताब होता और मेरी तरफ खिंचा चला आता। दानियाल, अल्लाह जी, I love you. आप किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देते, मैं जानती थी। आप क्या चाहते हो? मेरी इज्जत का तमाशा बना तो दिया है तुमने। मुझे इज्जत से ज्यादा अजीज है मेरा और तुम्हारा। हमसे सिर्फ एक ही रिश्ता है कि हम दोनों सिर्फ कजन्स हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे भूल जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम सच में मेरा मरा मुंह देखोगे। साहिब जी, जी बाबा। बेटा, आर यू ऑलराइट? नो बाबा। मैं जानता हूं कि तुम कितने गिल्टी हो। आप मेरी टिकट कंफर्म करा दें, मैं बस जाना चाहता हूं। आई वांट टू गो बाबा। बेटा, मोहब्बत करने वाले इस तरह हार नहीं माना करते। पापा, मोहब्बत रूठ जाए और रास्ता बदलने का कह दे तो? तो बेटा, मोहब्बत को मना लेना चाहिए, उसका हाथ पकड़कर जिंदगी के नए सफर का फौरन आगाज कर देना चाहिए। मैं जावेद से बात करूंगा, उसे जरा ठीक हो लेने दो। तुम उतनी देर खामोश रहो, बल्कि अपनी मां को तुम ये यकीन दिलाओ कि अब तुम वही करोगे जो वो चाहती है, समझे? अरे बेटा, दानियाल बेटा लगता है बहुत बिजी हो गए तुम। तुमने तो घर आना ही छोड़ दिए। नहीं नहीं, वो बस आंटी हाउस जॉब शुरू हो चुकी है तो जरा वक्त कम मिलता है। मम्मी सुन रही हैं आप इसके बहाने? चलो, हाउस जॉब जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर तो आया करोगे ना? बिल्कुल। फिर तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा ये। शहनाज भाभी बता रही थी कि पार्ट वन के लिए अमेरिका चले जाओगे तुम। ये भी अच्छा है, यह हमारे सिकंदर की तरह पहले आला तलीम हासिल कर ले और फिर अपना क्लिनिक खोल ले। सही कह रही हैं आंटी, लेकिन क्लिनिक नहीं, हम हॉस्पिटल खोलेंगे और आयजा मेरा साथ देगी। हॉस्पिटल खोल ले बेटा, ऑलवेज। आयजा बेटा,
चाय वगैरह का इंतजाम करवाओ। नहीं नहीं है, देखिए आंटी तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगा। हाँ खाना मैं खाऊंगा। तान्यार, मैं अरेंज करवाती हूँ। जीते रहो फराज बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें मेरी वजह से जहमत उठानी पड़ी। कैसी बातें कह रहे हैं अंकल, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। जावेद भाई आप रेस्ट कीजिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शुक्रिया भाभी। मैं फराज के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वापसी पे शाम को आके चाय जरूर पीऊंगी। अच्छा मैं भी चलती हूँ, फरिया की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर चक्कर लगाऊंगी। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा भाई, चाय पी कर ही जाऊंगा और वो भी अपनी बेटी के हाथ की। हाँ भाईजान मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं माँ आप बैठे, ताया अब्बा के लिए चाय मैं बना के लेके आती हूँ। सईद भाई मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अरे यार ये तुम क्या बेकार की बातें करने लग पड़े, भाइयों में भला एहसान कैसा। अल्लाह आप जैसा भाई हर किसी को दे। देखो जावेद, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बातें करने से मना किया, और ये जो फजूल की बातें तुम सोच रहे हो ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अरे यार भाइयों का एक दूसरे पे बहुत हक होता है, और इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं है, समझे तुम। भाई एक बात कहूं। हाँ बोलो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरी रिदा का ख्याल कीजिए। रिता मेरी बेटी है, मेरी, ये बात कहने की भला क्या जरूरत है। ये क्यों रख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हम बता रहे। क्या कर रहे हो साइम, चीजें गिराओ। कुछ नहीं गिरेगा, ये आया केक बाहर ही, बंद कर बंद कर। तुम क्या कर रहे हो यार? वो पापा का मूड बनने वाला है, मीठा खाने और खिलाने का। लेकिन मेरे बाबा को डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। खुशी में खाया गया मीठा नुकसान नहीं पहुंचा, और वैसे भी पापा मेरे लिए तुम्हें चचा से मांगने वाले। सायम जाके मना करो उन्हें। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मुझे पता है तुम नाराज हो, इसीलिए सब के नाराज अपनों से होते हैं। तो जाके तुम्हारा, मैं तुम्हारा अपना। सिर्फ नहीं तुम्हारा अपना। शुक्रिया अल्लाह मियां, आपने इसका दिल भी मेरी मोहब्बत से भर रखा है। थैंक यू आई न्यू इट, थैंक यू सो सो मच। खुशफहम होने की भी हद होती है। मैं तो हूँ खुशफहम, लेकिन पापा भी मुंह मिठा के रहेंगे ना चचा और चची जान, खुशी से उछलोगी। लेके आओ, लेके आओ। लो भाई दुल्हा मियां भी आ गए। आओ साईं चचा जान के पास बैठो। बैठो बेटे। भाई मेरा बरसों का ख्वाब था, मगर मैं डरता था कि कहीं इसकी ताबीर उल्टी ना हो जाए, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
आज मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी हुई। चलो बेटा, अपनी होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहनाओ। ये लो। मेरी जान, ऐसे क्यों देख रहे हो? और से देखो, ये वही अंगूठी जो तुमने चोरी चोरी चुपके चुपके रिदा को पहनाई थी। मैं रिदा को देखूं, पता नहीं कहां रह गई, अभी तक चाय नहीं बनी। अल्ले भाभी, वो मेरी बेटी भी आ गई चाय लेकर। ये लो बेटा, साथ में केक भी है। वाह भाई वाह, यकीनन ये केक रिदा बेटी ने ही बनाया होगा। क्यों रिदा? जीत आया अब्बू। आओ बेटा मेरे पास बैठो। लो भाई जावेद, जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। जुम्मे का दिन? भाईजान, जुम्मे में तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, बहुत जल्दी है। रिदा बेटा, वैसे तो तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन जब भी मैंने साइम की दुल्हन के बारे में सोचा तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा आया बेटा। और मुझे ये लगता है कि मेरे बुढ़ापे में जो बेटी मेरी दिल से खिदमत करेगी वो तुम ही हो। तो बेटे, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? सीधा है अब्बू, जैसे आपकी और बाबा की मर्जी। मुझे लगता है मैं किचन में कुछ भूल आई हूँ, मैं अब भी लेकर। लो भाई, जावेद मुबारक हो। खैर मुबारक। लाए जी मुंह मीठा करवाइए, अब तो बनता है। पता नहीं आज कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही है, तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए। खाने खाए जा रहे होंगे चची के बनाए हुए, और तारीफें हो रही होंगी। नहीं बेटा, खाने नहीं खाए जा रहे, आज मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। Congratulations everyone. क्या हुआ, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। देखो नसीमा, मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर एक फैसला कर दिया, लेकिन किया इस एतमाद और मान के साथ है कि तुम ना सिर्फ उस फैसले को कबूल कर लोगी बल्कि हमेशा की तरह मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। देखिए सईद, मैं हमेशा आपकी खुशी में खुश हुई हूँ। आपके फैसले के साथ मैंने कभी इख्तलाफ नहीं किया। आपने जो भी फैसला किया है सर आंखों पर। बाबा प्लीज, इतना सस्पेंस क्रिएट ना करें, बता दें क्या फैसला करके आए आप। देखो मैंने ये फैसला किया है कि साइम और रिदा का निकाह इसी जुमे को कर दिया जाए। व्हाट पापा, ठीक फैसला किया ना?
जी, आप कोई फैसला गलत कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? हाँ, अब कोई काम याद आ गया होगा उसे। भाई मैंने तो बहुत कोशिश की कि हमारी जो शादी है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन क्या करें, सातवें आसमान पर लिखा तो अब लिखे हुए का तो कुछ नहीं कर सकते ना। रिता, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, और जब मोहब्बत में सच्चाई हो तो वो मंजिल पाकर रहती है। हमेशा के लिए एक होने वाले हैं ना, एक वादा करते हैं रिता कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, जिंदगी भर सिर्फ मुझसे, और मैं तुम्हारे सारे गम, तुम्हारी सारी तकलीफें, दर्द दुख अपने नाम कर लूंगा। ऐसा तो कर लोगे? नहीं 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 रिदा, नहीं रिदा, अब ये नहीं होगा। आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे, मेरा वादा है खुद से, तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि रिदा मेरे घर की बहू बनकर आए, अल्लाह ताला ने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी, शुक्र है खुदा का, उसने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी। अब तो बस एक ही दुआ है कि मेरे बच्चे इसी तरह खुश और खुराम रहे। चलो बेटा, अपनी होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहनाओ। चाहे लड़का घर का हो या बाहर का, मुझे तोहफे तहाइफ नहीं लेती। तुम तो अच्छी बच्ची हो, खानदानी हो, तुमसे ये तवक्का नहीं थी। तुम्हारा मत बनाना, बेटी समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। और सुनो, अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा ली है तो मेरी जान, उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। ये लो। मेरी जान, ऐसे क्यों देख रहे हो? और से देखो, ये वही अंगूठी जो तुमने चोरी चोरी चुपके चुपके रिदा को पहनाई थी।
और रिदा नाराज होकर मुझे दे गई थी। चले कोई बात नहीं, क्या पहना लो ना, क्यों शर्मा रहे हो, पहनाओ अपनी होने वाली दुल्हन को। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा, दा भी